तो अब जो है मुझको पहले का 1 2 3 स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि माइक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और इस सेटअप में आपको शायद वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा ना मिले क्योंकि ये मेरे ख्याल से 2 मेगापिक्सल 3 मेगापिक्सल कैमरा है। तो अच्छा छोड़िए, मैं हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं भाई का गैराज। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। ये ओपिनियन वीडियो का पहला ओपिनियन लाइनअप की पहली वीडियो है। इस वीडियो में आपको सबसे कॉमन बाइक के बारे में बताऊंगा, स्प्लेंडर के बारे में, और बताऊंगा कि कैसे है, उसका क्या एवरेज है, क्या यूजेज है, क्यों, और मार्केट कंपटीशन क्या है, यही सब जानते रहिए इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों, स्प्लेंडर आपकी घरेलू बाइक है। स्प्लेंडर नॉर्मल कम्यूटेटर बाइक है, घर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप स्प्लेंडर खरीद सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो बात करते हैं इसके स्पेक्स की। स्पेक्स में जैसा कि आप देख सकते हैं, एयरकूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है। डिस्प्लेसमेंट इसका 97.2 cc, मतलब जो आपका सिलेंडर जो आपका इंजन है उसकी कैपेसिटी 97.2 cc है। मैक्सिमम पावर इज 6.15 kW, 8.36 PS एट द रेट 8000 RPM, मतलब 8000 RPM पे आपको 6.15 kW पावर मिलेगी। मैक्सिमम टॉर्क है 0.82 kgm, 8.05 Nm। टॉर्क इसका मतलब नॉर्मल कंप्यूटर बाइक के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक ही है, और ये आपको 5000 RPM पे मिलेगा। मैक्सिमम स्पीड जो कि आपकी कंपनी ने बोली है वो है 87 km/h। इतना ही नहीं जाती है, मैंने देखा है, ट्राई भी किया है, 87 km/h नहीं अचीव होता। और इसका 4 स्ट्रोक का साइज 50.0 mm x 49.5 mm, कार्बोरेटर सिंगल वेरिएबल वेंचुरी मीटर टाइप विद TCIS। जैसे कि आपको कार्बोरेटर के बारे में मैंने पहले बताया था, मैंने पहले वीडियो में दे दिया है कि कार्बोरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन सा कार्बोरेटर किस काम के लिए होता है। अगर आपको जानना हो कार्बोरेटर के बारे में तो मैं ऊपर लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कंपरेशन रेशियो इसका 9.9:1। स्टार्टिंग किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों मोड आपको दिए जाते हैं। आप चाहे तो किक स्टार्ट यूज कर सकते हैं, चाहे तो सेल्फ स्टार्ट यूज कर सकते हैं। इग्निशन DC, डिजिटल CDI, आपको इग्निशन करने के लिए DC मिलेगा या फिर डिजिटल CDI से आप इग्निशन यूज कर सकते हैं। ऑयल ग्रेड SA10W30SJ, हाँ कॉमनली यही यूज होता है 100 cc के बाइक में, आपको 10W30SJ मिलेगा, जबकि आप अगर यूज करते हैं बजाज की कोई बाइक तो उसमें 20W50SJ हो जाता है। एयर फिल्ट्रेशन ड्राई होता है, उसमें आपको ड्राई एयर फिल्टर दिया जाता है, बस उसमें आप हवा मारिए साफ हो जाएगा। फ्यूल सिस्टम इसमें, तो दोस्तों अब बात करते हैं स्पेक्स के बारे में, सॉरी फीचर्स के बारे में। फीचर्स तो आपको कुछ खास दिखेगा नहीं, एकदम नॉर्मल बाइक है, कम्यूटेटर कुछ खास इसमें नहीं है, पूरा मेटल बॉडी है ताकि जल्दी खराब ना हो। उसमें बस फीचर्स में दिया है कंपनी के थ्रू कि 3D ग्राफिक्स हैं। अब इसके बाद आप अगर स्प्लेंडर प्लस का बात करते हैं तो उसमें i3s टेक्नोलॉजी, जिससे आपका एवरेज बहुत ही बढ़ जाता है। और इसमें इसमें कुछ खास नहीं है, एवरेज आप देख सकते हैं। तो एवरेज हम देखिए, नॉर्मल अगर आप सिंगल एक आदमी बैठता है, एक आदमी अगर 60-70 kg का बैठता है तो ये एवरेज अराउंड दे देती है, मुझको यहाँ तक लगता है कि 55 से 65 के बीच का एवरेज दे देती है। ये बहुत बड़ा रेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेनली एवरेज डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्टाइल पे, जैसे आप ड्राइव करें उसके हिसाब से एवरेज चेंज होता जाता है। सिंगल सीटर, डबल सीटर, अगर आप और इसमें सिंगल सीटर हो गया, डबल सीटर, और आपका एवरेज डिपेंड करता है कि आप कैसे रोड्स पे चला रहे हैं, हाईवेज पे चला रहे हैं, कि सिटी टू सिटी, डे टू डे ट्रैफिक में, ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ता है एवरेज के लिए। मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है, आप ऊपर देख सकते हैं। तो इसमें और कुछ खास नहीं इस बाइक के बारे में, 100 cc का बाइक है। इसका प्राइस आपका करीब जो है, प्राइस इसका कितना है एक सेकेंड बता रहा हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश में, ये बाइक उत्तर प्रदेश में नहीं दिल्ली में देखा जाए क्योंकि दिल्ली में बाइक सबसे सस्ती रहती है, तो न्यू दिल्ली में इस बाइक का करंट प्राइस है 50,079 एक शोरूम प्राइस है। तो इसमें प्लस 5-6 हज़ार मान के चलिए आपको 55,000-56,000 तक ये ऑन रोड मिलेगी। अब इसका करंट मार्केट कंपटीशन क्या है स्प्लेंडर का, स्प्लेंडर में करंट मार्केट में भी कंपटीशन है आपकी सीबी ट्विस्टर, होंडा की सीवी ट्विस्टर और बजाज की प्लेटिना CT 100 और डिस्कवर 100 cc। हालांकि फिर भी इन तीनों में, फिर भी मैं अपना रिव्यू बता रहा हूँ कि मैं इन तीनों में स्प्लेंडर को ही प्रेफर करूंगा क्योंकि
अगर आप देखते हैं, अगर आपने कभी चलाया होगा तो मैंने चलाया, मुझे ये महसूस हुआ है कि जो हीरो होंडा की बाइक सॉरी हीरो की बाइक्स हैं और होंडा की बाइक्स हैं, इनमें पिकअप ज्यादा होता है स्टार्टिंग में, ये इनिशियल पिकअप बहुत ज्यादा देते हैं। बजाज में आपको इनिशियल पिकअप उतना नहीं मिलता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बजाज में आपको इतना इनिशियल पिकअप नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो बजाज मोस्टली स्पीड ज्यादा होता है, क्योंकि वो अभी मैंने लास्ट टाइम देखा था तो इसने जो है ना डिस्कवर में 5 गियर दे दिया है। अब 5 गियर जब दिया है तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगा 4 गियर के मुकाबले। लेकिन अगर आप पिकअप की बात करते हैं तो पिकअप मुझको जहाँ तक लगता है कि स्प्लेंडर का ज्यादा है, और ज्यादा मुझे लगता है स्प्लेंडर, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि स्प्लेंडर ज्यादा मजबूत बाइक है। अगर आप गिर जाते हैं कुछ होता है तो उसमें जल्दी कोई डिफेक्ट नहीं आता, लेकिन बजाज की बॉडी कंपेरेटिवली थोड़ी हल्की है। बाकी सीवी ट्विस्टर ज्यादातर तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इस सेगमेंट के लोगों को ज्यादातर सीवी ट्विस्टर अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें फाइबर्स यूज किए गए हैं, एक्स्ट्रा ग्रीली एयर फिल्टर के लिए लगाया गया है। लेकिन ये सब मुझको नहीं लगता कि, हाँ यंग जनरेशन, अगर यंग जनरेशन आप अपने बच्चे को दिलवा रहे हैं बाइक तो उसके लिए ठीक है कि 100 सीसी का बाइक भी हो गया, उसको देखने के लिए शो ऑफ करने के लिए भी बाइक अच्छी है। मगर एक मेच्योर आदमी जो कि सिर्फ कम्पटिशन के लिए खरीदना चाहता है, उसको तो सिर्फ एवरेज से मतलब है, एवरेज और पिकअप और ड्यूरेबिलिटी से मतलब है, इजिली अवेलेबल पार्ट्स। इसके स्प्लेंडर और आपके बजाज के भी ये स्प्लेंडर का पार्ट्स आपको कहीं भी दूर दूर गांव में भी आप कहीं भी जाएंगे तो आपको स्प्लेंडर का पार्ट्स बहुत आसानी से मिल जाएगा। और अब क्या बात करते हैं सर्विस सेंटर्स की। हाँ इसके सर्विस सेंटर थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो ऐसे जगह नहीं, बहुत मुश्किल ही है कि ऐसी कोई जगह होगा जहाँ पे आपको स्प्लेंडर के स्पेयर्स ना मिले। तो और क्या बात करते हैं, एवरेज भी हो गया। सीटिंग के लिए, हाँ सीटिंग के लिए आपकी सीट ठीक है, मतलब सबसे लंबी सीट तो मुझे जहाँ तक पता है कि पैशन प्रो की है, जब तक अब तक जितनी सबसे लंबी सीट पैशन प्रो में ही है। सीट ठीक है, आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है ड्राइवर और पिलियन के लिए, आराम से आप लोग बैठ सकते हैं छोटी कंप्यूटर राइड के लिए। मगर अगर आप ये बात करते हैं 200 या 200 300 किलोमीटर की तो शायद आपको दिक्कत होगा। दिक्कत तो आपको होगा ही, क्योंकि इस बाइक का सामने का विंडशील्ड इतना बड़ा नहीं है, वाइजर इतना बड़ा नहीं है कि आपको हवा से रोक सके। एयर ब्लास्ट बहुत खतरनाक आता है हाईवेज पे। और दूसरी चीज है, जैसे आप भगाते हैं, इसमें दिया है टॉप स्पीड 87 KMPH का, मगर 87 KMPH पे आप जैसे ही जाते हैं बाइक सामने से उठने लगती है, हल्का हल्का लगता है कि उठ रही है, उतना ज्यादा इसमें वेट नहीं है। काफी हाईवेज के लिए नहीं, आप प्रिफर ना करें तो ही अच्छा होगा। वही इसका फायदा होगा स्लशी रीजन में, अगर आप जैसे भारी बाइकें होती है स्लशी रीजन में फिसलने लगती है और बहुत भार की वजह से आप संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुत हल्की बाइक है, स्लश वगैरह में से आराम से निकल सकती है। तो मुझे लगता है मैं स्प्लेंडर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही आपको आगे वीडियोस देता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, और जय हिंद, वंदे मातरम।